और खबर मुरादाबाद से है। मुरादाबाद से खबर आ रही, भ्रष्ट एसडीएम को शासन ने निलंबित किया है। एसडीएम को निलंबित किया गया है। एसडीएम घनश्याम वर्मा पर एक्शन लिया गया है। फर्नीचर के पैसे मांगे जाने पर चलवाया था बुलडोजर, जिस खबर को के न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। इस पर एक खास कार्यक्रम भी चलाया था और एसडीएम साहब का फोनो भी हुआ था और एसडीएम साहब ने फोन पर साफ मना कर दिया था, ऐसा कोई भी लेन देन नहीं है। और अब जांच हुई, दोषी पाए गए हैं और निलंबित किया गया है। आपको बता दें, सुबह बोलेगा कार्यक्रम के न्यूज ने किया था। इस पर एसडीएम से बातचीत हुई थी फोन पर और एसडीएम साहब ने साफ इनकार कर दिया था, कोई भी लेन देन फर्नीचर कारोबारी से नहीं है। और फर्नीचर कारोबारी भी उस कार्यक्रम का हिस्सा थे और उनका साफ कहना था कि इन्होंने अपनी बेटी के यहां फर्नीचर भिजवाया और अपने घर में फर्नीचर मंगवाया और जब बिल मांगा गया तो बिल देने से इनकार कर दिया। और उसके बाद जब बिल बार बार मांगा गया तो बुलडोजर की कार्रवाई की गई। डीएम ने मामले को संज्ञान में लिया, जांच कराई, जांच में दोषी पाए गए हैं, निलंबित किए गए। तो के न्यूज की खबर का असर हुआ है, के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। इस पर एक खास कार्यक्रम जो सुबह बोले का है के न्यूज का, वो भी किया था। और हर बार की तरह सुबह बोले का जो कार्यक्रम है उसमें जो भी खबर आती है सामने, जो भी घटनाक्रम होता है उसका असर जरूर दिखता है। और इसमें भी दिखा, इसी खबर पर हमारे संवाददाता मुरादाबाद से अरहम अली जुड़ गए हैं। अरहम, कार्रवाई हुई है, एक्शन हुआ है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये मुरादाबाद बिलारी तहसील का मामला है जहां ये एसडीएम तैनात थे और इन एसडीएम ने अपने और अपनी बेटी के लिए जो डिप्टी जेलर है उसके लिए और अपने लिए फर्नीचर जाहिद जो है वहां पर जाहिद निवासी है बिलारी तहसील के, उनसे फर्नीचर लिया था। उनका फर्नीचर का बड़ा काम है और फर्नीचर लेने के बाद कुछ बातचीत हुई थी पैसों के लिए, लेन देन को लेकर उनकी गर्मा गर्माई हुई थी। तो जब जाहिद ने पैसे मांगे, जी और हम निलंबित कर दिए गए हैं, लेकिन जो बुलडोजर चला था फर्नीचर कारोबारी की प्रॉपर्टी पर, बिल मांगने पर बुलडोजर चला दिया गया था जिस प्रॉपर्टी पर, उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई होगी या फिर सस्पेंशन से काम चल जाएगा या फिर विभिन्न धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए? आप कैसे किसी की प्रॉपर्टी पर यूं ही बुलडोजर चला सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, हमारे के न्यूज चैनल है उस पर डिबेट भी हुई थी और उनका साफ, एसडीएम जो घनश्याम सिंह वर्मा है उनका साफ कहना था डिबेट में कि हमने फर्नीचर ही नहीं लिया, परंतु जब जांच दिए एडीएम प्रशासन को। आप किसी मीडिया चैनल से बातचीत में ये साफ कह रहे हैं कि मैंने कोई फर्नीचर नहीं लिया और फर्नीचर लेने की बात सामने आई है, तो एक कानूनी रूप से एक और केस भी बनता है झूठ बोलने का, सच्चाई छिपाने का। क्या कुछ अब कार्रवाई होगी, देखने वाली बात होगी। सस्पेंशन के अलावा और क्या कार्रवाई हो सकती है, के न्यूज आगे भी इस खबर को दिखाएगा। फिलहाल अरहम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जुड़े रहने के लिए। मुरादाबाद से आपको खबर बता रहे हैं जहां एसडीएम घनश्याम वर्मा पर एक्शन लिया गया है, सस्पेंड किया गया है, फर्नीचर कारोबारी का बकाया बिल देने से इनकार किया था, उसकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाने का भी काम किया गया था। और अगली खबर, आगरा से आ रही, जमीन के विवाद में गोली चली है, महिला समेत दो लोगों को गोली लगी है, महिला समेत दो लोगों को गोली लगी है। आगरा का मामला आपको बता रहे हैं, तीन को पुलिस ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। लंबे समय से चल रहा था जमीन का विवाद और अब विवाद इस कदर बढ़ गया कि गोली चलने की नौबत आ गई। इन लोगों को पुलिस ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। और
अगली खबर लखनऊ से है। मंत्री दानिश आजाद का औचक निरीक्षण, मुस्लिम मुसाफिर खाने का किया औचक निरीक्षण। राज्यमंत्री ने मुसाफिर खाने पहुंचकर जिला जो वहां सुविधाएं हैं व्यवस्थाएं हैं उसका जायजा लिया है। और साफ सफाई को बेहतर करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं दानिश आजाद।